स्टूडेंट्स, आई एम अभिलाषा मैम। तो इसलिए हमारा टॉपिक है लॉ। तो आपको क्लास को समझ में आ गई कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? यस, कब बुलबुल। तो हम कब बुलबुल में इस वीक पढ़ने वाले हैं लॉ। तो अब आप सोच रहे होंगे लॉ, यस, कितनी जगह फॉलो किए हैं हमने। हम जब स्कूल आते हैं तो स्कूल में हमारे बहुत सारे लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं, फॉलो किए ना आपने। जैसे बोला जाता है कि आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, टाई बेल्ट लगाना है, आपको दिस वीक ये कॉपी लेकर आना है, बुक्स लेकर आना है, लंच टाइम पर होता है, आपका जो डिस्पर्सल होता है वो टाइम पर होता है, एक टाइम डिसाइड होता है, जब स्कूल आते हैं तो टाइम डिसाइड होता है। तो ये सारे क्या है? रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। इसी प्रकार से हमारे घर में भी रूल्स होते हैं जो आपके शायद मम्मी पापा ने बनाए होंगे या आपके दादा दादी ने बनाए होंगे। इस प्रकार से बहुत सारे रूल्स हम फॉलो करते हैं, घर में अलग, स्कूल में अलग, फ्रेंड्स के साथ भी कई रूल्स होते हैं कि मेरा होमवर्क कंप्लीट कराओगे ना, हाँ ठीक है। तो ये इस टाइप की बॉन्डिंग बन जाती है। तो वैसे ही हमारे कब बुलबुल में लॉ यानी कि नियम अलग है, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये मैम जो बताएंगी आपको इसे लर्न करना है पूरे वीक, और जो नेक्स्ट वीक याद करवाया है था आपको, आपने उसे याद किया पूरा, यस गुड, तो उसे आप अप्लाई भी करें, ओके। लॉ एंड नियम आपको दोनों लैंग्वेज में याद करना है, इंग्लिश में भी और हिंदी में। क्यों? क्योंकि जब हम याद कर लेते हैं, कई बार होता है विजिटर्स आते हैं बाहर से, टीचर्स आते हैं, तो कुछ लोग इंग्लिश में प्रेफर करते हैं, कुछ हिंदी में। तो हमें दोनों लैंग्वेजेस में याद होना चाहिए, ओके। तो पहले हम इंग्लिश में लिखते हैं, देन इसके बाद आप हिंदी में, ओके। तो हाउ मेनी लॉ दिख रहा है आपको? हाउ मेनी लॉ? यस, टू। हाउ मेनी? टू लॉ। कोई भी आपसे पूछेगा कब बुलबुल में कितने लॉ होते हैं तो आप क्या बताएंगे? टू। तो नंबर वन, द कब बुलबुल। अब आप देखेंगे कब और बुलबुल, मैम ने दोनों वर्ड एक ही जगह यूज किया है। तो जो हमारे बॉयज हैं वो कैसे इसको लर्न करेंगे? द कब इज ओबीडिएंट, ओके। और जो हमारी बुलबुल है उसे कैसे बोलेगी? द बुलबुल इज ओबीडिएंट, ओके। सेम नेक्स्ट, द कब इज क्लीन एंड पोलाइट। गर्ल्स, द बुलबुल इज क्लीन एंड पोलाइट, ओके। तो सबको मीनिंग समझ में आ रहा है कि ये जो लॉ है वो क्या बोल रहे हैं, आ रहा है ना? चलिए अब हम हिंदी में देखते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे मैम ने कब बुलबुल दोनों वर्ड लिखा हुआ है साथ में। तो बॉयज कैसे बोलेंगे जो कब है? कब आज्ञाकारी होता है, ओके। बुलबुल, बुलबुल आज्ञाकारी होती है। सेकेंड, कब स्वच्छ और विनम्र होता है। बुलबुल, बुलबुल स्वच्छ और विनम्र होती है। तो ये तो बोलने का तरीका है जो मैम ने आपको बताया, ठीक है। आपको इस प्रकार से लर्न करना है, बॉयज कैसे बोलेंगे, गर्ल्स कैसे बोलेंगी, कैसे आपको याद करना है, क्लियर हुआ? तो आप याद करिए इसे। अब इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जो मैं कब बुलबुल, आपको मालूम है आप छोटे बच्चे हैं तो रूल्स फॉलो करने होते हैं आपको, ठीक है। तो पहला है आपका ओबीडिएंट मींस आज्ञाकारी। आज्ञाकारी आपको समझ में आ रहा है ना? ओबे फॉलो करना, यस। आपको क्या करना है? अपने पेरेंट्स का ओबे फॉलो करना है। वो अगर आपसे कुछ बोलते हैं कि आप ऐसा काम करें तो आपको करना है। आप ये नहीं कि नहीं मेरे पास अभी समय नहीं है, अभी मुझे खेलना है, मैं बाद में करूंगा, नो। आपको वो बात माननी है। आज्ञाकारी मींस ओबीडिएंट मींस बात को मानना। आपके जो बड़े आपसे बोल रहे हैं आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। आप स्कूल में आते हैं टीचर्स की बात मानते हैं ना? मैम बोलती हैं या सर बोलते हैं कि चलिए आप ना अब ये टॉपिक पे हमें बात करना है या पढ़ाई करना है, चलिए आप लिखिए, तो आप मानते हैं ना? उसी प्रकार से अपने घर में भी अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सबकी बात माननी है। अगर उन्होंने बोला है, फॉर एग्जाम्पल मम्मा ने बोला बेटा मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो आपको क्या करना है? यस, आपको उसको फॉलो करना है। आपको तुरंत जाना है मम्मा के लिए वन ग्लास वाटर लेकर आना है। पापा ने आपको कुछ काम दिया, पापा ने बोला कि अब टीवी नहीं देखना है, आपको स्टडी करना है, तो आप क्या करते हैं? थोड़ी देर और पापा, फिर इसके बाद में बस एक और कार्टून देख लेने दो। नहीं, आपके बड़े हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, तो उन्होंने कहा है तो आपको उसे फॉलो करना है। आपको तुरंत स्विच
स्विच ऑफ करना है टीवी का और स्टडी करनी है। क्लियर? तो आज्ञाकारी ओबीडिएंट, आपको समझ में आया? ओबे यानी कि आपको अपने बड़ों की बात माननी है, ओके? उनकी जो भी उन्होंने बोला है आपको फॉलो करना है, चाहे वो आपके टीचर्स हो, चाहे आपके बड़े भैया दीदी हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके चाचा चाची हुआ, जो भी है रूल्स फॉलो करना है, ओके? सबकी बड़ों की बात माननी है। सेकेंड, द कप इज क्लीन एंड पोलाइट या द बुलबुल इज क्लीन एंड पोलाइट मीन्स क्या होता है? स्वच्छ और विनम्र। तो हम पहले बात करेंगे क्लीन पे, ठीक है? क्लीन क्या होता है? क्लीन मीन्स आप जब स्कूल आते हैं तो मैम हमेशा बोलती है कि आप सुबह सुबह बाथ लेकर आए, बोलती है ना, फ्रेश होकर आए, क्योंकि जब हम फ्रेश रहते हैं तो हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है और हम खूब सारी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर हम बाथ नहीं लेंगे तो हम क्या होंगे? लेजी, है ना, नींद आएगी हमें खूब सारी, हमें पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, होता है ना ऐसा? यस, होता है। इसलिए हमेशा हमें फ्रेश रहना है, क्लीन रहना है। अभी आप घर में हैं तो ये नहीं कि घर में है तो ठीक है कभी भी नहा लेंगे, किसी भी टाइम बात ले लेंगे, नो। आपको मॉर्निंग में बात लेना है, टीथ क्लीन करना है, नेल्स क्लीन करना है, इसके बाद क्लीन क्लॉथ्स यूज करने हैं रेगुलर। ऐसा नहीं कि दो दिन आपने वही पहने हुए हैं, नहीं, क्योंकि हमारे जो क्लॉथ होते हैं, हमारे नेल्स होते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं जम्स हो जाते हैं। आप हर जगह बैठते हैं, उठते हैं, आपने देखा है, तो हमें नहीं मालूम होता जम्स कहाँ कहाँ हैं, तो इसलिए हमें क्लीन रहना बहुत जरूरी है। और मैम पहले भी आपको बता चुकी है, प्रियंका मैम ने आपको गेम्स में बताया है कि आपको क्लीन कैसे रहना है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है? तो क्लीन आपको अपने नेल्स कट करके रखना, एवरी संडे आप नेल्स कट करवाइए अपने जो भी आपके घर में बड़े हैं उनसे, ऐसा नहीं खुद कट करने बैठ जाएं आप, क्योंकि आप छोटे हैं, आप उंगली भी कट कर सकते हैं, इसलिए किसी बड़े से बोलें कि नेल्स कट कर दें। टीथ जब ब्रश करते हैं तो बहुत अच्छे से करना है आपको, ये नहीं बस ये किया और बस हो गया, मम्मा ब्रेकफास्ट जल्दी से भूख लगी है, नो, उसे प्रॉपर तरीके से ब्रश करना है, हैंड वॉश करना है, ठीक है? जब भी आप लंच ब्रेकफास्ट या डिनर लेते हैं तो आपको हैंड वॉश करना है, वो भी अच्छे से प्रॉपर तरीके से बिल्कुल, ओके? इसके बाद फिर क्लॉथ बता दी मैंने, क्लॉथ इसके बाद हम कहीं बाहर से आते हैं तो शूज वगैरह कहीं भी डाल देते हैं, अपने कपड़े कहीं भी फेंक देते हैं, ये चीज नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपके शूज रखने की जहां पे जगह है, जहां प्लेस है, आपको वहां पे रखना है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे जम्स आते हैं, उन्हें घर में पहन के नहीं जाएं, क्योंकि आपको मालूम है इस टाइम कितनी बीमारियां चल रही हैं, तो हम चलकर आते हैं हमें नहीं मालूम कहाँ जम्स हैं, तो वो हमारे शूज में भी आ सकते हैं, तो उसे बाहर ही प्रॉपर प्लेस पे रखना है। आपके जो क्लॉथ्स हैं आपको सब जगह बना हुआ होता है, प्लेस रहती है, कहाँ रखना है क्लॉथ, उसको वहां पे हैंग करें, ऐसा नहीं घर को मेसी कर दें, ओके? इसके बाद अपने घर को भी क्लीन रखना है, अपने मम्मी पापा के साथ में हेल्प कीजिए, क्योंकि कोई भी हमारे घर आता है तो वो क्या देखता है, वाओ कितना सुंदर हाउस है, कितना प्यारा, कितना क्लीन है, और वहीं अगर डर्टी होगा तो कहेंगे कितना डर्टी हाउस है, होता है ना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो अपने मम्मा पापा की भी हेल्प कर सकते हैं घर में। तो क्लीन समझ में आया, खुद की बॉडी भी क्लीन रखना है और जहां हम रह रहे हैं वो सरफेस, वो जो प्लेस है, वो भी हमारा क्लीन होना चाहिए, चाहे हम अपने घर में हो, चाहे हम स्कूल में हो, जिस एरिया में भी हम हैं वो क्लीन रहना चाहिए, ओके? इसके बाद बात करते हैं पोलाइट, विनम्र। बच्चे तो पोलाइट होते नहीं है, पोलाइट का मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं? चलिए मैम बताती हैं, अब आगे से आप पोलाइट हो जाइएगा। हमारे घर में छोटे भाई बहन है या बड़े भाई बहन है, ठीक है, उन्हें हमें कुछ भी कहा तो हम फाइट करना शुरू कर देते हैं, उन्हें बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं, करते हैं ना, मम्मा देखो इसने मुझसे फाइट की, ऐसा किया। अगर आपसे बड़े हैं तो आपको ऐसे बात करना है, पोलाइट का मतलब होता है प्यार से बात करना, ओके? तो हमें हम किसी से भी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हमें प्यार से बात करनी चाहिए। अब छोटे जो है उनको समझ कम होती है, अगर हम बड़े हैं तो हमें क्या करना है, अगर वो हमसे फाइट करने आए तो उसे प्यार से कि फाइट नहीं करते हैं, ठीक है? और अगर हमसे बड़े हैं, भैया आप क्यों फाइट कर रहे हैं, मैं तो आपसे छोटा हूं या छोटी हूं ना, तो फाइट नहीं करना है, ओके? पोलाइट किसी से भी हम जब बात करते हैं, कई बार रूडली बात करते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, कई बार जैसे हमारे मन का कुछ नहीं हुआ, हमें कोई चीज नहीं मिली तो हम क्या हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं, मम्मा पापा से भी रूडली बात करते हैं, दिस इज रॉन्ग। अपने मम्मा पापा आपके लिए कितना करते हैं तो उनसे रूडली बात करनी चाहिए? नहीं।
तो हमें कैसा रहना है, पोलाइट रहना है, सबसे प्यार से बात करनी है अपने, चाहे मम्मा पापा, अगर उन्हें कोई चीज़ के लिए मना किया तो आप उनसे पूछो आपने क्यों मना किया है, फिर वो आपको रीज़न बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। आप क्या करते हैं, उन्हें मना किया और आप बस गुस्सा हो जाते हैं, फिर रूड बिल्कुल सामान यहाँ वहाँ फेंकने लगते हैं कुछ भी, तो आप उनसे पहले पूछिए फिर वो रीज़न बताएंगे, तो आप समझिए कि ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें बात है, तभी उन्होंने उस चीज़ के लिए मना किया है। तो जितनी करना कभी भी, तो आपको जो लॉ है वो क्लियर हुए, आज्ञाकारी यानी कि अपने बड़ों की सबकी बात माननी है, क्लीन मतलब कि क्लीन स्वच्छ रहना, खुद की बॉडी को क्लीन रखना, और आप जहाँ भी आपका सराउंडिंग एरिया है वो भी हमेशा क्लीन रहना चाहिए, जिससे जर्म्स नहीं आए और हम बीमार नहीं हों। पोलाइट मीन्स सबसे प्यार से बात करना, रूडली किसी से बात नहीं करना, इससे पता भी चलता है कि हम कितने एजुकेटेड हैं। अगर हम किसी से रूडली बात कर रहे हैं, इसने पढ़ाई नहीं की होगी लगता है। हम जब बात करते हैं किसी से, टॉक करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उससे पता चलता है कि आप कैसे एरिया में रहते हैं, आप कैसे हैं। तो हमेशा सबसे प्यार से बात करना है, अच्छे से रहना है, जिससे हर कोई जब आपको याद करे, आपका नाम ले तो बोले कि वाओ वो गर्ल तो बहुत अच्छी है, वो बॉय तो बहुत अच्छा है, सबसे प्यार से बात करता है, बहुत क्लीन रहता है, उसके साथ खेलने का मन करता है, वो सबकी बात भी मानता है। तो हमें ऐसे ही बनना है ना? यस, हमें ऐसे ही बनना है। ओके, तो ये लॉ जो है आपको लर्न करना है दिस वीक, और मैम कभी भी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकती हैं, तो आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे, और आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से लॉ। ओके, इंग्लिश में भी याद करना है और हिंदी में भी, आपको दोनों लैंग्वेज में इसे लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। घर में रहें, हेल्दी रहें। ओके, बाय।